आठवें दिन माता रानी के महागौरी अवतार को पूजा जाता है। इनकी कहानी के कई संस्करण हैं। एक कहानी के अनुसार रक्त बीज का वध करने के बाद माता पार्वती का पूरा शरीर अंधेरे के समान हो गया था। अपने पुराने रूप में वापस आने के लिए उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि वह हिमालय की मानसरोवर नदी में स्नान करें। जब वह स्नान कर आए तो उनकी पुरानी त्वचा ने माँ कौशिकी का रूप धारण कर लिया, जिन्होंने बाद में शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। पार्वती माँ अपने पुराने रूप में आ गए और इस बार वह इतने सुंदर लग रहे थे कि हर कोई उन्हें महागौरी के नाम से संबोधित कर रहा था। एक और कथा के अनुसार जब माता पार्वती महादेव से विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे थे तब हजारों सालों के तप की वजह से उनका पूरा शरीर धूल और मिट्टी से भर चुका था और वह कंकाल के समान हो चुके थे। उनकी भक्ति देख महादेव काफी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने माता को गंगा नदी में स्नान करने को कहा था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महागौरी का अत्यंत सुंदर रूप धारण किया था। आपने कौन सी कथा सुनी है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ।